अस्सलाम वालेकुम, मैं आखिरी स्पीकर हूँ और मुझे एहसास भी है कि वक्त की किल्लत है। मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है, उन्होंने जाना है। तो सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब आपका शुक्रगुजार हैं हम, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा साहब के, वो आप तशरीफ लाए। इसके साथ साथ डी जी रेडियो जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और हमें ये फैसिलिटी रेडियो पाकिस्तान की दी कि इस दिन के हवाले से हम ये इस तकरीब का इनकार कर सकें, सोहेल अली खान साहब। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उल्ताफ हुसैन वानी साहब, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सर आपका शुक्रिया। आगा इकरार हारून, जिस तरह जिस आर्टिकल हमने मेंशन किया है, मैंने खुद भी, मैं चाहूँगा कि सब लोग जो कश्मीर के ऊपर एडवोकेसी कर रहे हैं या वो सूफीज़म की तरफ वो रागब हैं, तो उनको वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए कि किस तरह इस दुनिया के अंदर जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और सूफीज़म की सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो आप अपना मैसेज किस तरह कन्वे कर सकते हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद। पीरजादा साहब, मुझे इस एडवोकेसी में काम करते हुए काफ़ी 8 साल हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश होती थी कि साउथ पंजाब का भी कोई स्पीकर या कोई लीडर हो जो कश्मीर पे आए और बात करे, और सर आपने वो ख्वाहिश हमारी पूरी की, और जिस तरह आपने कश्मीर का मुकदमा यहाँ पर लड़ा है वो काबिल तहसीन है। इसके साथ सिर्फ रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि हमें, हम जो लोग कश्मीर पर काम कर रहे हैं, इसके अंदर नौजवानों को लाने की ज़रूरत है, और दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अगर जो मॉडर्न एग्जांपल्स हैं हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर दुनिया ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक की बात सुनती है, तो हमें अपना मुकदमा जो है उसी तरह पेश करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी मिसाल इस वक्त आप रीसेंट सदी के अंदर देखते हैं तो वो नगोर्नो काराबाख का कन्फ्लिक्ट है, कोजाले जेनोसाइड है, जिस तरह आज़रबाईजानियों ने अपने कन्फ्लिक्ट के ऊपर सारी दुनिया को वो लेके आए अपने स्किल्स के थ्रू, उनकी जिस तरह उन्होंने डिप्लोमेसी की अपने कन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसे हमें सीखने की ज़रूरत है। उसके अंदर आपकी मिनिस्ट्री जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है, रेडियो पाकिस्तान है, वो कुछ इकदाम कर सकता है ताकि हम कश्मीरियों की जो आवाज़ है इसको मौसर तौर पर पहुँचा सकें। शुक्रिया, बस यही अल्फाज थे। इसके साथ साथ इनाम सोमरो साहब, चौहान साहब और उनकी टीम का भी शुक्रिया, जमीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और कोऑपरेट किया। इसके अलावा बाकी जो अली गिलानी साहब का जो मैसेज था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, वो जब तक कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन नहीं मिल जाता तो पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की अवाम, नौजवान और हुकूमत उनके पास खड़ी है। और उनका ये नारा मैं चाहूँगा, अगर उनका नारा हम उनकी याद में एक दफ़ा मना दें, मैं पाकिस्तान कहूँगा, आप जाकर जवाब देना, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्रिया।